आप हो जाएंगे जो आप हो जाएंगे आप हो जाएंगे आप हो जाएंगे मैं बिठा दूंगा इन्हें बैठ जाएंगे उन्हें थोड़ा पानी को पानी मेरे बहुत बहुत लड़ा तो पत्रकारों ने मुझे कहा आजा रे भाई जी कि जयप्रकाश जी इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी आप लगातार कंपेन कर रहे हैं। मैंने कहा भाई ताकत दो प्रकार की होती है, एक तो ये बालक खावे तगड़े होने कहते सप्लीमेंट, वो तो होती है टेम्परेरी, एक ताकत होती है जनता की। आज जिस तरह का प्यार प्रेम और स्नेह, वैसे तो सुबह से ही और वैसे 27 तारीख से ही लोगों का मुझे मिला, लेकिन आज डाटा गांव में आते ही मैं शकल देख रहा हूँ, जो 1989 में भी मेरे साथ थे और जो उसके बाद पैदा हुए बालक तो 37-40 साल के होंगे, हर आदमी के चेहरे पे खुशी मुझे दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट मुझे दी है ये जयप्रकाश को नहीं दी, ये हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता को नहीं दी है, क्योंकि आप लोग हमेशा ही मुझे पार्टी के नेता कहते थे कि जयप्रकाश जी ये क्या है हिसार हिसार में, क्यों किसी को पूछो टेलीफोन करते हैं कि जेपी को टिकट दे देना। तो हमने अब आपकी बात मान ली, कल हुड्डा साहब भी कह रहे थे वहाँ कि भाई कांग्रेस हाईकमांड ने हमने आपकी बात को मान लिया, आप हमारी बात मानोगे तो आपने क्या मानेंगे जितवाएंगे, ये तो बात ठीक है कि जितवाओगे इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं 2-3 बात आपसे कहूँगा। देखिए दो चीज़ के खतरे हैं देश में सबसे खतरनाक, एक खतरा है कि इलेक्शन नहीं होने देंगे दोबारा, इफ कैसे चूक होगी ना दोबारा इलेक्शन नहीं होने देंगे। आपने देखा होगा चंडीगढ़ के अंदर मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था, लेकिन जितवा दिया कौन, बीजेपी का। अभी सूरत के अंदर, इंदौर के अंदर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जबरदस्ती फार्म रद्द कर दिए, आराज अपना बाजिया कई देर लट बोले ये बात वो बात, रे माँ भाई सारे कागज पूरे करके क्यों पाछे पड़ रहे हो। तो यानी के जब इतनी जबरदस्ती करना चाहते हैं वो इलेक्शन क्यों कराएंगे, अहंकार है। दूसरा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को बदलना चाहते हैं, अगर लोगों संविधान बदल गया देश बर्बाद हो जाएगा। इस संविधान को बनाने के लिए हमने अंग्रेजों से मुक्ति पाई थी, हमारे हजारों स्वतंत्रता सेनानी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूमे थे, आज ये बेईमान प्रवृत्ति के नेता इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं, अलग संविधान बनाना चाहते हैं। तो दो बात के ऊपर मुख्य लड़ाई है, बाकी भी बात यह है डाटा गांव के लोगों, वोट जहाँ तक सवाल है वोट आदमी देता अपनी मर्जी से, ठीक है कि नहीं। मैं दो बात कहूँगा कि दस साल का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का काम आपने देखा होगा, गांव का छोटा सा बच्चा भी हुड्डा साहब के पास चला गया, उन्होंने गांव की बेकदरी नहीं करी, और ईब कदर का मायने ही कोई नहीं रहा मेरे ख्याल में, कि इस तरीके से इन लोगों ने 730 किसानों को अपनी सियादत देने पर मजबूर किया, कि इस तरीके से हमारी खिलाड़ी बेटियां जिन्होंने हरियाणा प्रदेश का नाम इस दुनिया में रोशन किया था, रात के 12 बजे उनके बाढ़ खींच करके सड़कों पर ला करके पटकने का काम किया, कितना बुरा मानता हमारी बेटियों का, किस तरीके से हमारे पंच सरपंचों की पिटाई करने का काम किया, ओपीएस के कर्मचारियों को लाठियों से पीटने का काम किया, आशा वर्कर आंगनबाड़ी वर्कर आपने देखा होगा अपनी मांग मनवाने गई थी, ठंडे पानी के बिछावर से सारे बच्चे तक बीमार कर दिए। तो कब पीछा छुटवाओगे, छुटवाओगे न? तो एक तरफ तो है भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज का काम,
और उसका उम्मीदवार है, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है, राहुल सोनिया गांधी का उम्मीदवार है, खड़गे का उम्मीदवार है, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है जयप्रकाश। एक तरफ है भाई बीजेपी वाला रणदीप। एक बात कहूंगा मैं, वह जरूर कहूंगा, एक सुन लो काम की। मेरे खिलाफ बयान दिया परसों, हाँ बोला जेपी ने, एक मिनट भाई, जेपी ने चौधरी देवीलाल को बदनाम करा ग्रीन ब्रिगेड बना के। चौधरी वीरेंद्र सिंह आज इस धरती पर नहीं, सुरग में है। पहला चुनाव जब मैं लड़ने आया उस वक्त वो मंत्री थे और यहाँ पर इस पूरे इलाके में प्रचार मेरा वही करते थे, मुझे इतना राजनीति का ज्ञान नहीं था, कौन आदमी नहीं जानता। जब चौधरी देवीलाल का परिवार चौधरी देवीलाल को छोड़ गया था, रणजीत सिंह ने तो याद होगा चौधरी देवीलाल की सरकार तोड़ने के लिए 12 MLA सम्राट होटल में डाल दिए थे। ये तो है बाप को धोखा देने वाला। और जयप्रकाश है चौधरी देवीलाल को यहाँ से नहीं, हमने चाहे इलाहाबाद हो चाहे बंगलोर हो, हर जगह हमने चौधरी देवीलाल के नाम को ऊंचा उठाया था तो ताकि वो हमारे नेता थे। अब फैसला तुम कर लो भाई, एक बाप है, उसका सबूत भी उसके है और कपूत भी उसके है। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से रणजीत सिंह से पूछना चाहता हूँ, जिसने अपने बाप की सरकार को तोड़ने का प्रयास किया वो सपूत है कपूत है, तो वो फैसला करके बता दे भाई। हमने तो चौधरी देवीलाल जिए, उनका नाम रोशन कराया, जब आगे सौदा ही उड़ा के आ गया मैं मरूं। मैं 3 बार आपने MP बनाया, कोई माइनर मोरी काम MP होते हुए, मैंने तो किमिन किमिन डिगाया होगा, डिगाया कि नहीं। अच्छा मेरे से चल भाई, ये बड़ा पवित्र चौंतरा है। हाँ रोगी का भाई, यह कह के जाऊं हूँ, जयप्रकाश के नसों में जब तक खून का आखिरी कतरा रहेगा, रोगी की पंचायत को अपमानित नहीं होने देगा, चाहे सर्वस्व कुर्बान करना पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।